जन्नत नजीर वादी में मुसलसल कर्फ्यू का 141वां दिन, निहत्ते कश्मीरी घरों में कैद, दुनिया से वादी का राब्ता मनकता, कारोबारी और तालीमी इदारे भी बंद, पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। तहम अक़वामे मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें खामोश तमाशाई बनी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की इंतहा हो गई। कर्फ्यू को 141 रोज हो गए। कश्मीरी मुसलमानों को न खाने पीने की अशिया दस्तयाब है और न ही दीगर जरूरियात जिंदगी मुहैया की जा रही हैं। निहत्ते कश्मीरी अवाम अपने हक खुद इरादियत की हर कीमत देने को तैयार है। वादी के हर गली कूचे पर भारतीय फौज तैनात है, जिनकी कायम करदा चेक पोस्टों पर खतरनाक असलहा मौजूद है। कोई शहरी इंतहाई जरूरत के तहत अपने घर से निकलने की कोशिश करे तो पैलेट गन से शदीद जख्मी कर दिया जाता है। जुल्म की इंतहा के अस्पतालों में अद्वियात खत्म हो चुकी है और मरीजों की हालत इंतहाई खराब है। ऑपरेशन करने के लिए भी जरूरी सामान मुहैया नहीं, इसके बावजूद इंतहा पसंद मोदी हुकूमत जरा सी रचक देने को तैयार नहीं है। वादी में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस बंद और टीवी नशरियात ताहाल मौतल हैं। दुकानें, कारोबार, तालीमी मराकज बंद हैं और लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मकबूजा वादी में नामनिहाद सर्च ऑपरेशन और पकड़ धकड़ की आड़ में मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों के कत्ल का सिलसिला भी जारी है। पाँच अगस्त को मोदी सरकार ने कश्मीर को खसूसी हैसियत देने वाले भारतीय आईन के आर्टिकल 370A को खत्म करके मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बने 141 दिन हो गए। तहम अक़वामे मुत्तहिदा और इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं।